ये नंदी जी 800 सालों से यहाँ पर हैं। अभी जिस म्यूजियम के बाहर खड़े हो ना, इसका नाम है अल्बर्ट और विक्टोरिया म्यूजियम। इस म्यूजियम में मैं तुम्हें क्यों लाई हूँ पता है? क्यों? क्योंकि इसमें भारत से लूटा हुआ बहुत सारा सामान है। हमारे मुगल काल का सामान तो है ही, में हमारे जैनी भगवान की और हमारे हिंदू भगवान की, भगवान शिव की, नटराज की, पशुपति भगवान की और बुद्ध भगवान की बहुत सारी मूर्तियां भी हैं। अच्छा। इसके अलावा यहाँ पर हमारी नंदी गाय भी हैं, जो करीब करीब 800 सालों से यहाँ पर बंदी बनी रखी हैं, भगवान शिव की आराधना कर रही हैं। हे शिव भगवान, मुझे यहाँ से ले जाओ महादेव। अच्छा। हाँ, आओ दिखाती हूँ, उनके दर्शन कराती हूँ। चलो चलते हैं। चलो अंदर चलते हैं। इस समय मैं खड़ी हूँ शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी के सिंहासन के सामने। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, सोने का सिंहासन है। महाराजा रंजीत सिंह जी जो पंजाब के शेर थे, ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी का उनका गाउन है। सिहरन सी हो रही है, हाथ पैरों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, शेरे पंजाब के सोने के सिंहासन के सामने मैं खड़ी हूँ। भारत से लूट का ये माल अल्बर्ट और विक्टोरिया म्यूजियम में है। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी, जिनके सामने अंग्रेज इस तरह झुका करते थे। महाराजा रंजीत सिंह जी के गाउन के साथ उनकी दस्तार रखी है, उनके सोने चांदी का सामान रखा है, कास्केट रखा है, उनका पेन स्टैंड रखा है, उनके पार्क का मॉडल तक रखा है, कश्मीरी कढ़ाई का बेश कीमती दोशाला भी रखा है। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी का सामान देखकर उनकी बहादुरी के किस्से याद आ गए। मैं नतमस्तक हूँ और मैं ये सारा सामान भारत में वापस चाहती हूँ। ये हो सकता है अगर आप सभी मिलकर आवाज़ उठाएं और भारत सरकार पर ये दबाव डालें कि ब्रिटिश म्यूजियम से भारत का ये लूट का सामान वापस मांग लिया जाए, तो ये सामान वापस आ सकता है। और देशों ने भी इस तरह की दरखास्त डाल रखी है। टीपू सुल्तान की मौत के बाद लकड़ी का ये टाइगर ब्रिटिश उठा कर ले आए। इसके अंदर ये हैंडल लगा हुआ देख रहे हैं आप, ये देखिए ये हैंडल लगा हुआ है, इसको जब आप घुमाते हैं ना तो ब्रिटिश ठूक के करहाने की आवाज सुनाई देती है। ये देखिए, ये ब्रिटिश सोल्जर इसके नीचे है और ये टाइगर ने उसके अंदर दांत गड़ा रखे हैं टीपू सुल्तान के टाइगर ने, यानी कि टीपू सुल्तान ने खुद दांत गड़ा रखे हैं। ऐसा था हमारा टीपू सुल्तान, जिसकी मौत के बाद टीपू सुल्तान का सारा सामान ईस्ट इंडिया कंपनी उठा कर ले आई और उसने सोना जो था टीपू सुल्तान के सिंहासन का अपनी आर्मी में यूं बांट दिया, क्योंकि सिंहासन मोटे सोने का बना हुआ था, उसके पत्रे इतने मोटे थे कि वजन में कई टन का था। ये चांदी की तश्तरी, ये चांदी के सिक्के, ये सब टीपू सुल्तान के समय के हैं। ये पिस्टल्स हैं, टीपू सुल्तान की पिस्टल्स, और इनमें सोना लगा हुआ है। ये टाइगर का मूंठ है, टाइगर बना हुआ है, उसका मुंह बना हुआ है, ये भी सोने का है। ये चांदी का बक्सा है, कास्केट, और ये छड़ी है जिसका मुठ सोने का बना हुआ है। ये सैडल क्लॉथ है, जो घोड़े पर सैडल क्लॉथ होता है ना, वो है टीपू सुल्तान के घोड़े का। आप सोचिए, सोने चांदी के तारों से इस पर एम्ब्रॉयडरी करी गई है। और ये तलवारें तो देखिए जरा, क्या आपको इनको देखकर भारत के सुल्तान की याद आई? उनकी शक्ति का लोहा तो अंग्रेज भी मानते थे, और अब आपको अपनी शक्ति दिखानी है। ये सब सामान इंडिया वापस कैसे आएगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। मैसूर, राजस्थान, गुजरात के राजघरानों के ये आर्टिफैक्ट हैं, चांदी और सोने के नक्काशी के ये ऑर्नामेंट्स, चायदानियाँ, बांसुरियाँ। ये बांसुरियाँ तो ना हमारे राजा महाराजा अपने चाहने वालों को गिफ्ट दे दिया करते थे। इनमें हीरे मोती और ज्वारात लगे देख रहे हैं, इनकी कीमत का अंदाज़ा तो मैं क्या ही लगा सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये याद दिलाते हैं कि भारत कितना बड़ा रईस था, जिसको लूट लिया अंग्रेजों ने और लूट को सजा दिया इस म्यूजियम में। सन 1850 से 1855 के बीच की ये बेशकीमती अमूल्य ज्वेलरी, ये सारा सोना चांदी हीरे ज्वारात उठाए गए हैं भारत से। इनकी कारीगरी इतनी कमाल की है कि आज कोई कारीगर ये दावा नहीं कर सकता कि इसमें से कोई भी सामान वो बना सकता है। आप इनकी कारीगरी जरा नज़दीक से देखिए, इसमें रूबी लगी हुई है, मोती लगे हुए हैं, नीलम लगे हुए हैं, और सोने को कूट पीट के
उसको कितनी तराश के ये ज्वेलरी बनाई गई है, इसका एक एक पीस उन लोगों ने कैसे बनाया होगा जब इतने औजार नहीं थे। आज इतने औजार और मशीनरी होते हुए भी इनमें से कोई भी चीज़ आज का कोई कारीगर बना नहीं सकता। ये अमूल्य है, बेशकीमती है, भारत का है, भारत का लूट का माल। हैदराबाद के निज़ामों को लूट कर इन लोगों ने सोने और चांदी की ये चीज़ें हथिया तो ली, सजा तो ली म्यूज़ियम में, लेकिन इस म्यूज़ियम में ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आप देखिए, क्या ये भारत में नहीं होना चाहिए? हैदराबाद के निज़ामों की कहानियाँ सुनाती ये बेशकीमती दौलत भारत की ही है। ये सारंगी, सितार, तबला और गिटार कहानियाँ सुनाते हैं भारत के उन संगीतकारों की, जिनका संगीत सुनकर बारिश हो जाया करती थी। इन सितार वादकों को सुनकर मंगल गायन गाए जाते थे, गीत गाए जाते थे, और मंगल बेला में इनकी मधुर ध्वनियाँ भारत के गली मोहल्लों को गुंजा देती थी। उन सितारों को, उन तबलों को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, वो भी लूट लाए। बंगाल की कारीगरी तो कुर्सी और टेबल में भी है, कुर्सी और टेबल तक को नहीं छोड़ा। देखिए तो इस कुर्सी की कारीगरी को नज़दीक से देखिए, इस कुर्सी को बनाने के लिए कारीगर ने कितनी मेहनत की है। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, कोई मशीनरी नहीं होती थी, लेकिन कितनी नफासत से, कितनी कारीगरी से, कितनी तन्मयता से ये सारा सामान बनाया गया है। आज के ज़माने में बड़ी बड़ी मशीनें और औजारें होते हुए भी इस तरह की एक भी चीज़ आज के कारीगर बनाने की सोच भी नहीं सकते। बेशकीमती है ये चेयर, ये टेबल, ये लैंप शेड, एक एक सामान अमूल्य है, बेशकीमती। सोयों साल पुराने ये बंगाली परिधान देख रहे हैं आप, इनकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाइए। उस समय इस तरह का कॉटन कपड़ा सोने के भाव से भी ज़्यादा भाव में बिका करता था। इसकी नफासत, इसकी कारीगरी और इसकी सुंदरता सच में बेशकीमती है। आंध्र प्रदेश का रोजवुड का ये फर्नीचर, एक पीस, सिर्फ एक पीस इस म्यूज़ियम को सजाने के लिए काफ़ी है, लेकिन इसे सजाना है हमें अपने इंडिया में। बहुत ही खूबसूरत कारीगरी है, इसकी कारीगरी देखते देखते आंखें पथरा जाएंगी। आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, कार्व करके एक एक नगीने को, लकड़ी के नगीने को लकड़ी में ही किस तरह जड़ा गया है और उस पर किस तरह पेंट किया गया है। ये जड़ाऊ काम है, ये सिर्फ पेंट नहीं है। गुजराती कॉटन की ये बेशकीमती ड्रेस देख रहे हैं, कितना खूबसूरत फैब्रिक है। उस समय कॉटन का ये गुजराती फैब्रिक, हैंड प्रिंटेड फैब्रिक, और सोने से कई गुना महंगे रेट में बिका करता था। और ये आंध्र प्रदेश की कारीगरी है, ये जो बन रहा है ना ड्रेसिंग टेबल, इसकी कारीगरी का अंदाज़ा आप इसको जूम करके लगा सकते हैं। बेशकीमती कारीगरी है, नायाब जिसको बोलते हैं ना, ये नायाब पीस है, फर्नीचर का एक ऐसा नायाब पीस जो किसी भी म्यूजियम की शोभा बढ़ा सकता है। गुजराती कॉटन और गुजराती एम्ब्रॉयडरी, सिल्क और कॉटन का ये कॉम्बिनेशन, जो भारत की रानी महारानियाँ पहना करती थी, जो सोने हीरे ज्वारा से कहीं ज़्यादा मूल्यवान होता था, ब्रिटेन के विक्टोरिया म्यूजियम की शान बढ़ा रहा है। इसकी खूबसूरती तो देखिए, इसका मूल्य जानने की कोशिश भी ना कीजिएगा, इसका मूल्य हो ही नहीं सकता, अमूल्य है ये। मुगल काल का हैदराबाद के निज़ामों का ये सामान है, और इस किताब में तो उर्दू में लिखा हुआ है, किताब तक ले आए थे ये चोर। और ये देखिए, हैदराबाद के निज़ामों की सुराही और ये बर्तन, चांदी का काम है, चांदी हो ना हो अमूल्य तो ये है ही। राजस्थान और गुजरात के राजा महाराजा और नवाबों के बने हुए ये कपड़े सोने और चांदी के तारों से बने हैं, बेहद खूबसूरत परिधान है और अमूल्य है, बेशकीमती कपड़ा है, क्योंकि इनमें सोने और चांदी का काम किया गया है, बुना ही इनको सोने और चांदी के तारों से गया है। और इनके बॉर्डर पर तिल्ले का काम नहीं है, इस पर रूबी का और पन्ने का काम है, हीरे ज्वारात टंगे हैं। ये सामान अमूल्य है, बेशकीमती। पीछे आप देख रहे हैं ना, ये दुपट्टे,
ये खाली सोने के तारों से बने हैं और इन पर रूबी और पन्ने का काम किया गया है। मुकुट पर लगाने वाला ये खूबसूरत सा आभूषण मीर जाफर ने प्लासी की लड़ाई के बाद वॉटसन को गिफ्ट में दिया था। रूबी और रतन का काम है इसके ऊपर, बेशकीमती और बहुत ही खूबसूरत है। ये सारा जो सामान है राजस्थान का है या गुजरात का है, बिहार का है। ये कांच का सामान है जिस पर कि सोने का काम किया गया है। उस समय कांच का ये सामान जिस पर सोने का काम किया जाता था बेशकीमती होता था। ये देख रहे हैं आप खंजर, इस खंजर की सुंदरता को देखिए आप, इसके मुठ को देखिए। इस पर जो काम किया गया है सोने का है और इस पर पन्ना चढ़ाया गया है, इस पर घोड़े का सिर बनाया गया है और इस पर चांदी से काम किया गया है कार्विंग का, और ये सारा काम ग्लास के ऊपर सोने का है। ग्लास के ऊपर जो सोने का काम है उस समय जब चलन में आया था, जब मीर जाफर मुगलों के टाइम में, अकबर और जहांगीर टाइम में, तो इस काम को इतना ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी कि जितना कि हीरे पन्ने को भी नहीं दी जाती थी। इसकी कीमत हीरे पन्ने के आभूषणों से भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसको अलग से इतने बड़े शोकेश में एक बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म पर म्यूजियम के बीचों बीच सजाया गया है। आगरा के ताजमहल की खूबसूरती तो आपने शायद देखी होगी, लेकिन ये जो कार्विंग है ये भी आगरा से ही आई है। पत्थरों पर नक्काशीदार काम किया गया है बिना किसी स्पेशल औजार के, बिना किसी मशीन के ये कारीगरी की गई है हाथों से, उसी ताजमहल के कारीगरों से जिनके हाथ काट दिए गए थे ताजमहल बनाने के बाद। उन्हीं कारीगरों का ये काम है जो कि ताजमहल की आपको याद दिला देगा। म्यूजियम के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसमें ये कांच के बक्से में मुगल काल का, जहांगीर और अकबर का सारा ऐसा सामान सजाया गया है जिसकी मूल्य अमूल्य है। ये बेशकीमती सामान है, सर पे टर्बन पर लगाने वाले आभूषण हैं, ये आप देख रहे हैं। ये जहांगीर का वाइन कप है, ये देखिए, ये जहांगीर इसमें वाइन पीता था। ये पेंडेंट है, ये देखिए अंगूठियां हैं, पेंडेंट हैं, टर्बन पर लगाने के आभूषण हैं। अंगूठियां आपको दिख रही होंगी, ये ही अंगूठियां, ये सारे वाइन कप्स हैं, अंगूठियां हैं, टर्बन पर लगाने के हैं, सोने चांदी हीरे पन्ने मोती जवाहरात सब कुछ है इन आभूषणों में। और ये भी वाइन कप है। अब ये मुझे नहीं पता कि इसमें वाइन कैसे पीते होंगे। इस पे जो सर लगाया गया है घोड़े का है और सीप शेप में इसको बनाया गया है, यानी कि इसको इस तरह से उठाते होंगे और इस तरह से पीते होंगे कुछ, मतलब इसका घोड़े का सिर जो है ना वो हैंडल की तरह पकड़ा जाता होगा और इसमें काफ़ी सारी वाइन आती होगी। मेरे ख्याल 250 ग्राम वाइन तो इसमें आ ही जाएगी, तो काफ़ी वाइन पी जाती थी जहांगीर के टाइम में। और ये चम्मच आप देख रहे हैं, ये चम्मच भी गोल्ड से बनी हुई है और इस पर भी एम्ब्रॉयड का काम है। ये भी मुगल पीरियड की है, 1600 की, सन 1600 ईस्वी की बनी हुई है ये स्पून्स। और इसके पीछे जो आप अंगूठी देख रहे हैं ना, ये इस पर भी रूबी का काम है, ये देखिए गोल्ड की बनी हुई है। और ये सारी की सारी अंगूठियाँ, ये स्पून, ये सब मुगल एम्परर्स की हैं। मुगल एम्परर्स तो आपको पता ही है अपनी राजसी शौक और शान शौकत और ठाट बाट के लिए कितने फेमस थे। ये भी जेड का कप है, ये भी वाइन कप है। जेड एक ऐसा प्रेशियस मूल्यवान धातु है जो कि सोने चांदी हीरे मोती से ज़्यादा प्रेशियस होता है। और ये थंब रिंग है, यानी कि अंगूठे में पहनने वाली रिंग। और जानते हैं ये रिंग किसकी है? शाहजहाँ की। शाहजहाँ की अमीरी और रईसी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन उनका थंब रिंग देखने का आपको सौभाग्य मिला है। देखिए किस तरह पर्शियन कारीगरी करी गई है, इसके ऊपर सोने का काम किया गया है। बहुत ही बेशकीमती चीज़ें हैं ये, इसीलिए म्यूज़ियम के बीचों बीच सजा कर रखी गई हैं। और ये क्रिस्टल का बाउल है, ये किसका है? शाहजहाँ का बाउल है। और शाहजहाँ इसके अंदर करता क्या होगा? शाहजहाँ इसके अंदर शायद कॉफ़ी पीता होगा, नहीं, वाइन पीता होगा। शाहजहाँ इसके अंदर वाइन पीता होगा। तो शाहजहाँ हो या जहांगीर, वाइन इन्होंने पी हो या नहीं पी हो, लेकिन इनके जो वाइन पीने के कप्स हैं ना, इसको तो देखकर मैं निहाल हो गई, मुझे चाहिए ये वाला। बहुत ही खूबसूरत है। और ये चम्मच, ये सारे मुगल एम्परर्स अपने मुंह में कहते हैं
सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए थे। सुना तो मैंने भी है, लेकिन सोने की चम्मच इतनी बेशकीमती होगी जिसमें रूबी पन्ने जड़े होंगे, हीरे जड़े होंगे, ये नहीं सोचा था। आपको देखकर कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो लग रहा है यहाँ से हटो ही नहीं, शायद ये चम्मच मेरे मुँह में ही आ जाए। 1500 से 1600 ईस्वी में बना हुआ ये कार्व्ड सामान मुगल पीरियड का है। ये देखिए इसकी कार्विंग देखिए, बहुत ही बेशकीमती सामान है, मुगल काल का सामान। और नीचे आप ये जो गदा देख रहे हैं ना, ये गदा नहीं है एक्चुअली, ये कोई हथियार भी नहीं है। इसको सेरेमनी ये इस्तेमाल करा जाता होगा, जैसे कुछ पवित्र काम करने जाते होंगे तो इसको फहराया जाता होगा, या राजगद्दी पर कोई बैठता होगा तब इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। इस पर सीप का काम हो रखा है और लकड़ी का मुठ है, सीप का काम। क्राइस्ट का ये बेशकीमती सामान गोवा से उठाया गया है, इसमें से एक दो चीज़ें श्रीलंका से भी उठाई गई हैं और बाकी ये सब चीज़ें गोवा से उठाई गई हैं। ये देखिए आप, और ये कितना पुराना है, 1650 से लेकर 1700 के बीच का सामान है, यानी कि बेशकीमती है। इसकी कार्विंग आपने देखी ली होगी, पास से देखिए, नज़दीक से देखिए। इस मूर्ति में नीचे एक शेर बना हुआ है और शेर के दोनों तरफ हाथी बने हुए हैं और सबसे नीचे एक आदमी लेटा हुआ है और वो दबा जा रहा है इस पूरी मूर्ति के नीचे। ये मूर्ति पूरी कहानी कहती है। इसी तरह इस मूर्ति को देखिए, इस मूर्ति में एक बंदा लेटा भी हुआ है, उसके साथ में कंकाल रखा है, ऊपर शायद गॉड है और इधर की तरफ क्राइस्ट है और इधर दूसरे भगवान हैं, नीचे कुछ जानवरों की मूर्तियां हैं और सबसे नीचे कुछ मानव की मूर्तियां हैं, सिर बने हुए हैं। यानी कि हर मूर्ति एक बहुत बड़ी कहानी कहती है जिसमें भगवान भी हैं, इंसान भी हैं, जानवर भी हैं और कंकाल भी हैं। ये चीज़ें सच में मूल्यवान हैं, बहुत मूल्यवान। गुजरात का टेक्सटाइल, गुजरात के इस टेक्सटाइल के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, युद्ध लड़े गए, वॉर हुए सिर्फ इस टेक्सटाइल के लिए। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये टेक्सटाइल, ये कपड़ा कितना कीमती होगा, जिसके लिए युद्ध लड़े गए, जिसके लिए सैनिकों ने अपनी शहीदी दी, खून बहाए गए, ये कपड़ा इतना महंगा गुजरात से लूटा हुआ। भारत के जितने भी ग्रंथ हुए हैं उनके जो कवर पेजेस हैं, उनकी मैनुस्क्रिप्ट्स के कवर हैं, वो यहाँ पर रखे गए हैं। इनमें से कुछ कवर तो जैन धर्म के ग्रंथों के हैं, कुछ बौद्ध धर्म के ग्रंथों के हैं, कुछ हिंदू धर्म के ग्रंथों के हैं। ये संस्कृत में लिखा गया है और ये मैनुस्क्रिप्ट्स के जो कवर हैं ये बेशकीमती कवर हैं। ये देखिए, इन पे राजा महाराजा बनाए गए हैं, मोर का चित्रण किया गया है और ये देखिए संस्कृत भाषा में इसमें लिखा गया है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैनुस्क्रिप्ट कवर कितने ज़्यादा मूल्यवान हैं, कितने प्राचीन हैं। ये भारत की धरोहर हैं जो यहाँ म्यूजियम में दर्शाए गए हैं। ये सभी असली हैं, ये बिल्कुल असली हैं, देखिए कितने पुराने हैं, इनके कॉर्नर्स यहाँ से कटे हुए हैं। ये देखिए इसमें ये कौन सी भाषा लिखी गई है, आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको इसकी कीमत का अंदाज़ा होगा। मदुरई और तमिलनाडु से उठाई गई है ये ज्वेलरी, इसकी भव्यता और मूल्य का अंदाजा आप जूम करके लगा सकते हैं। जरा देखिए तो इस कड़े को, कितनी भव्य कारीगरी है। ये देखिए गहने भारत से लूटे हुए। ये नंदी जी को देखो, ये 800 साल पुरानी है, 1550 से 1600 के बीच में इनको कर्नाटक से उठाया गया था। ये नंदी जी 800 सालों से यहाँ पर है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1550 से 1650 के बीच में, और ये साउदर्न इंडिया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और ये हमारी नंदी जी तभी से ही यहाँ पर है विराजमान, शिव जी के बिना। जी हमारी कामधेनु गाय, जिनका सिर तो होता है एक औरत का, ये कामधेनु गाय हैं जो सारी विशेष पूरी करती हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाली गाय हैं। इसको भी लूट कर लाया गया है भारत से, और इसको लूटे हुए भी कम से कम 300 साल हो गए हैं।
इसकी कीमत का अंदाजा भी हम लगा नहीं सकते। भगवान शिव जी के नटराज रूप है और इनको मद्रास से उठाया गया था 1011 में, यानी कि 1000 साल से भी पुरानी है। ये कई लाख करोड़ रुपए की मूर्ति है। शीशे के शोकेस में इसको म्यूजियम के बीचों बीच सजा के रख रखा है। ये है भारत की लूट का माल। ये गंधर्व भगवान की मूर्ति है जो कर्नाटका से उठाई गई है। 1000 साल की 1200-1300 साल पुरानी ये मूर्ति है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी है। शिव भगवान की दक्षिणमुखी मूर्ति जो कि 1200-1300 साल पुरानी है और इसको मद्रास कर्नाटका से उठाया गया था। इतनी बड़ी मूर्ति है, कम से कम तो ये 2.5 फुट की मूर्ति है। इसकी वैल्यू का अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते। भारत की लूट का माल और म्यूजियम में सजा रखा है इन लोगों ने। भगवान शिव की ये मूर्ति भी साउथ वेस्ट इंडिया से उठाई गई है, लूट करके यहाँ म्यूजियम में सजाई गई है। 1200 से 1300 साल पुरानी ये मूर्ति बहुत ही मूल्यवान है, भारत की संपत्ति। ये दुर्गा माता की मूर्ति है, महिषासुर दर्मिनी की मूर्ति है जो कि कर्नाटक से उठाई गई है, 1000-1200 साल पुरानी। ये 3.5 फुट की मूर्ति है, इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए होगी, जो कि भारत से लूट का माल है। और ये ब्रिटिश म्यूजियम में है, अल्बर्ट एंड विक्टोरिया म्यूजियम में। केरल के मंदिरों में जो गार्ड बनाए जाते थे देवताओं की रक्षा के लिए, ये उनकी मूर्ति है, 800 से 900 साल पुरानी और ये केरला से उठाई गई है। 2000 साल पुरानी ये मूर्ति है, हाथी और लाइन का मिला जुला मिश्रण है और इसको उठाया गया है एलोरा से। इसमें लिखा हुआ है कि एलोरा की गुफाओं से, जैन मंदिरों से भी इसको उठाया गया हो सकता है। ये मूर्ति इसकी इतनी पुरानी है कि अंदाज़ा ही नहीं लगाया सकते कि ये कितनी पुरानी होगी। 2000 साल तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन देखने से पता लग रहा है कि ये कई 1000 साल पुरानी है। लायन और एलिफेंट का मिला जुला मिश्रण है। मध्य प्रदेश से उठाई गई माता की ये प्रतिमा कम से कम 1500 साल पुरानी है। इस टूट फूट की हालत में भी इनकी कीमत कई लाख रुपए है। 1500 साल पुरानी विष्णु जी की ये मूर्ति बांग्लादेश से उठाई गई है। कितनी बड़ी मूर्ति है आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, कितना मिलियन होगा इसका वैल्यू। ये है भारत की लूट का माल जो ब्रिटिश म्यूजियम अल्बर्ट एंड विक्टोरिया म्यूजियम में लंदन में रखा है। और ये जो मूर्ति है ना 1500 साल पुरानी है, सूर्य भगवान की है और इसको बिहार से उठाया गया है। इतनी बड़ी मूर्ति है, 4 फुट की तो होगी, कितने की होगी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, कई मिलियन होगी इसकी तो कीमत। ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। यहाँ पर ब्रिटिश म्यूजियम में बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये लंदन का म्यूजियम है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, ये सारे ब्रिटिश म्यूजियम ही हैं जहाँ पर लूट का माल रखा है। एक म्यूजियम का दिखा रही हूँ, एक एक करके सारे म्यूजियम का आपको दिखाने वाली हूँ। ये जो प्रतिमा है ना जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की है और कम से कम 1000-1200 साल पुरानी है। ये 1100 से 1200 में उठाई गई है कर्नाटक से। आप देखिए कम से कम 4 फुट की ये प्रतिमा कितनी विशाल है। पार्श्वनाथ तीर्थंकर की ये प्रतिमा को कीमत का अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की ये प्रतिमा करीब करीब 2000 साल पुरानी है जो कि मध्य प्रदेश से उठाई गई है। प्रतिमा का वजन 200 किलो तो होगा ही और इसकी लंबाई चौड़ाई कम से कम 4 फुट लंबाई है और 2 फुट चौड़ाई है। इसकी कीमत मिलियंस में है। ये प्रतिमा जैन तीर्थंकर ऋषभ भगवान की है जो करीब करीब 1500 साल पुरानी है। इस प्रतिमा की खूबसूरती आप देखिए, लूट तो बहुत ही बढ़िया करी है अंग्रेज़ों ने, इंडिया को पूरा ही लूट लिया, सारे भगवान ले गए। 1500 साल पहले उठाई गई बुद्ध भगवान की ये प्रतिमा बिहार से उठाई गई है। बहुत ही बड़ी और विशालकाय प्रतिमा है, टूट फूट गई है लेकिन कीमत मिलियंस में। ये ऊपर जो आप लकड़ी की कारीगरी देख रहे हैं ये कारीगरी केरला की है। ये देखिए हाथियों के साथ देवी माँ की मूर्ति बनी हुई है और इसकी कारीगरी कमाल की है। 1000 साल पुराना ये कारीगरी का काम भारत का है। भगवान शिव के पशुपति नाथ जी की ये मूर्ति है, इसको उठाया गया है 1500 साल पहले, मद्रास से उठाई गई ये मूर्ति है। और पार्वती जी के हाथ में कमल का फूल है और शिव जी के बाल ऊपर ऐसे बांध रखे हैं। भगवान शिव का पशुपतिनाथ स्वरूप है, 1500 साल पुराना। भगवान शिव की नटराज रूप की ये मूर्ति 1500 साल पुरानी है, तमिलनाडु से उठाई गई है। इस मूर्ति का वजन
मुझे कम से कम 10 किलो तो लग ही रहा है। बहुत ही भव्य स्वरूप है 1500 साल पहले की भगवान नटराज की ये मूर्ति, अमूल्य है। और ये गणेश जी भगवान की मूर्ति है ना, 1500 साल पुरानी उठाई गई है तमिलनाडु से। ये कॉपर की बनी हुई है और ये सारी मूर्तियाँ जो है ना ये वाली ये चोला पीरियड की है। चोला पीरियड आप जानते होंगे, चोला पीरियड कितना पुराना टाइम। इतनी पुरानी ये मूर्तियाँ कॉपर की एलॉय की बनी हुई हैं। भगवान गणेश जी ब्रिटेन में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं भारत को छोड़ के। कमेंट कीजिए क्या भगवान गणेश को इंडिया वापस लाना चाहिए या नहीं। और ये जो श्री देवी की मूर्ति है ना ये भी चोला पीरियड की है, कॉपर की बनी हुई है और इनको उठाए हुए भी 1500 साल हो गए। ये देखिए थोड़ी सी झल मार रही है क्योंकि ये शीशे के शोकेस में रखी हुई है, लेकिन आपको दिख रहा होगा और इसकी कीमत का अंदाज़ा भी हो रहा होगा। ये एलॉय की बनी हुई मूर्ति है और बेशकीमती है। ये विष्णु भगवान की मूर्ति है 1200 साल पुरानी, तमिलनाडु से उठाई हुई, एलॉय की है और चोला पीरियड की है। समझ रहे हैं कितना लूटा है भारत को अंग्रेजों ने और लूट के भर लिया है म्यूजियम में। इनके म्यूजियम में होने चाहिए ये भगवान या हमारे मंदिरों में, कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट बहुत काम आएंगे। ये जो हाथी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ना ये आयनर भगवान है केरला के। ये आयनर भगवान को उठाए हुए भी 1500 साल पुराने हैं। ये हाथी से इनका कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन ये हाथी भी चोरी का माल है, लूट का माल है। ये भी इतना ही पुराना है। मंदिरों में जो भगवान की रक्षा के लिए जो गार्ड के रूप में हाथी रखे जाते हैं ना वो भी इन्होंने उठा लिए। लूट कमाल की, बेशकीमती लूट, हर चीज़ लूटी है इन अंग्रेजों ने। जो मूर्ति है ना ये भी तमिलनाडु से उठाई हुई है, चोला पीरियड की, 1000 साल पुरानी, एलॉय की बनी हुई, बेशकीमती मूर्ति। भारत के मंदिरों के ऊपर जो इस तरह की कारीगरी की जाती थी ये भी उखाड़ कर ले आए हैं ये लोग। ये देखो कारीगरी देख रहे हो ना, कमाल की है। इनकी एक एक पत्थर की कीमत जो है ना उसका अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते आप। इसको देखकर बताइए कहाँ से उठाया होगा। जी हाँ, केरला से उठाया गया है इसको। मंदिरों में भगवान के जो सिंहासन बनाए जाते हैं उनको सजाने के लिए इस तरह की कारीगरियाँ की जाती हैं। इस कारीगरी को ध्यान से देखिए। भारत को लूटने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं इन लोगों ने, लेकिन लूट का माल वापस पाया जा सकता है। सरकार को हम लोग बार बार कह सकते हैं कि हमारी लूट का माल वापस दिलाओ। इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों ने इन पर दावा कर रखा है कि हमसे जो लूट का माल था, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं, जो तुमने म्यूजियम में सजा रखा है, वो हमें वापस दो। हम भी अपनी सरकार को ऐसा कह सकते हैं और सरकार इन पर दबाव डाले तो सारा सामान वापस भी दिलवाया जा सकता है। ये यमुना माता की मूर्ति है जो उनके बेटे सूर्यदेव के साथ है, भगवान शिव की बहुत पुरानी मूर्ति। ये कुबेर भगवान की मूर्ति है, ये देखो कितनी खूबसूरत मेटल की है। ये चंद्र प्रभु भगवान है, जैनियों के तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान, कितनी पुरानी मूर्ति है, दर्शन कीजिए। 1500 साल पहले की कॉपर की मूर्ति है महादेव की, दर्शन तो कर ही लीजिए। लंदन से लूट का माल इंडिया वापस आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा कह नहीं सकते, दर्शन तो आपको करा ही सकते हो। ये मौर्य काल का है, रिंग स्टोन है, इसका नाम है रिंग स्टोन। ये भी पूजनीय है और ये भी मंदिर का है। वैल्यू का अंदाजा कुछ नहीं लगा सकती मैं। जैन तीर्थंकर चांदी के। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहे। लंदन के अलावा मैं आपको फ्रांस जर्मनी की सैर भी कराने वाली हूं और स्कॉटलैंड भी दिखाने वाली हूं। ये मूर्तियां भी श्रीलंका और पाकिस्तान से उठाई गई हैं। भारत के अलावा 70 और देशों से लूट का माल भरा हुआ है इन म्यूजियम्स में। आइए भारत की और लूट दिखाती हूँ। जैन गॉडेस अंबिका माता के दर्शन कीजिए। हमारे कश्मीर से उठाए गए भगवान है ये, ध्यान से देखिए। ये चांदी की मूर्तियाँ हैं, दर्शन तो कर ही लीजिए। ये सारा माल पाकिस्तान से उठाया गया है, उस समय पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था, तो एक तरह से ये भी इंडिया से ही चोरी का माल है।
ये सारा माल उठाया गया है अफगानिस्तान से। लूट तो बहुत करी अंग्रेजों ने भाई। ये लूट की गई है नेपाल से। ये गरुड़ भगवान भी पाकिस्तान से उठाए गए हैं। ये मत भूलिए पाकिस्तान उस समय इंडिया में ही था। तारा माता की ये खूबसूरत मूर्ति नेपाल से उठाई गई है। ये बेशकीमती ज्वेलरी तिब्बत से उठाई गई है। बेशकीमती इसलिए कह रही हूँ कि जड़ाऊ है, सिल्वर और सोने में इसको जड़ा गया है। ये लूट का माल श्रीलंका से आया है जी। देख लो जी क्या लूट मचाई है। चोरी डकैती तो बहुत देखे होंगे, लुटेरे भी आप सिर्फ सुने होंगे, लेकिन लूट का माल शोकेस करते हुए लुटेरे आपने पहली बार देखे होंगे। ये भी सारा तिब्बत से ही लूटा गया सामान है जी। इंडिया की तरह तिब्बत को भी खूब ही लूटा है। देख रहे हो ना, ये देखो और पास से देखो, दर्शन तो कर ही लो जी, इतना तो करवा ही सकती हूँ मैं आपको। बाकी आवाज़ ज़रूर उठाना कि हमारा इंडिया का सामान तो इंडिया वापस पहुँचे। म्यूज़ियम बहुत खूबसूरत है, ये देखो मैं इसकी झलकियाँ दिखा रही हूँ। और संसार के किसी भी तो देश को नहीं छोड़ा, 70 देशों से ज़्यादा पर कब्जा कर रखा था और हर जगह से इन लोगों ने खूब ही अच्छे से लूटा है। और लूट का माल म्यूजियम्स में सजाया है, बड़े ही तरीके से सजाया है। ये भी इंडियन है, राजा महाराजा दिखाई दे रहे हैं ना आपको। ये देखो जी अंग्रेजों के लूट के किस्से आपने सुने थे ना, आप देख लो अपनी आंखों से। ये लिखावट पढ़िए जरा, मोहम्मद अली खान मुगल एम्परर, फोटो भी लगा रखी है वो भी बहुत बड़ी। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ब्रिटिश म्यूजियम भारत से लूट के माल से भरे पड़े हैं, ये तो एक म्यूजियम की कहानी है। कमेंट कीजिए आपको दूसरे म्यूजियम भी देखने हैं क्या।